गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महर्षि दधी जी महिला महाविद्यालय से ज्योग्राफी की क्लास आपकी। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अपना टॉपिक चल रहा है वनस्पति के बारे में। तो हमारी जो वनस्पति है, प्राकृतिक जो वनस्पति है, उसको भी कई कारक प्रभावित करते हैं। मैंने वनस्पति के प्रकारों के बारे में आपको बताया है, प्राकृतिक वनस्पतियों को, तो उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जो कि हमारी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जलवायु, क्लाइमेट कारक। किसी भी स्थान की जो जलवायु है, वहाँ की वनस्पति का विकास उसी पे ही निर्भर करता है। तो अगर वर्षा अच्छी होगी तो तापमान का भी सर्वाधिक उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। वो राजस्थान जैसे कि वह कैसा एरिया है, अर्धशुष्क एरिया है, शुष्क एरिया में आता है, तो वहाँ पे वर्षा कम होती है, तो वनस्पति का जो फैलाव है वो भी शुष्क वनस्पति का फैलाव रहता है। यहाँ आपकी जो वनस्पति होगी वो झाड़ी नुमा होगी, उसकी जो जड़ें होंगी वो काफ़ी लंबी होंगी, कटीली वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा है हमारा प्राकृतिक कारक। जो प्राकृतिक कारकों में अगर हम देखें तो उसको वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो धरातल है, तो वो किस पे, वहाँ की वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर करता है। तो अगर वर्षा अधिक होगी तो वहाँ की मिट्टी भी कैसी होगी, उपजाऊ होगी। और कई क्षेत्र जैसे कि नदियों के द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी है, तो वहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। पठारी क्षेत्र वहाँ के, तो वहाँ की मृदा भी अत्यधिक उपजाऊ होगी। और अगर हम देखें तो हमारे जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति अच्छी रहती है। और पश्चिमी भाग में जो कि जहाँ पर टीले रहते हैं, तो ड्यून्स रहते हैं, तो वहाँ की वनस्पति बिल्कुल मुक्त रहती है, वहाँ पे वनस्पति ना के बराबर रहती है। मिट्टी की जो शुष्कता है वो भी अधिक रहती है। वो मिट्टी की शुष्कता इसलिए पौधों की जो जड़ें हैं वो नमी नहीं मिलती और पौधा विकसित भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। जो जैविक कारक से हम पशुओं की और मनुष्य की दोनों ही क्रियाकलाप से ले सकते हैं। उसमें प्राचीन काल में जैसा हमने देखा कि मानवीय और जैविक कारक वनस्पति के इतिहास में महत्वपूर्ण कारक रहा है। जैसे कि राजस्थान में न केवल वन संपदा ही घटी, जबकि पश्चिमी भाग में मरुस्थल का कारण भी बन चुका है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ की जो उद्गम था, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल बताया गया, किसको बताया गया, राजस्थान को बताया गया। तो यहाँ की जो अब जो हम राजस्थान के जो मरुस्थल का जो भाग है वो बहुत अत्यधिक फैल गया है। यहाँ का जो भाग है पहले आर्द्र जलवायु प्रदेश था और मानव ने वनों को सफाया कर दिया है, और इसके परिणाम से ये क्या हुआ है कि यहाँ का जो भाग है वो किस में आ गया है, एरिड क्लाइमेट कंडीशंस में आ गया है। और इसी प्रक्रिया के कारण ही आदिवासी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, तो वनों को वह सबसे अत्यधिक हानि पहुँचाते हैं और वो वनों को काट देते हैं। अब हम वनों के अगर हम लाभ देखें तो बहुत अत्यधिक लाभ है, महत्व भी है। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें से प्रत्यक्ष लाभों में हम देखें तो मुख्य जो उपजे हैं, इमारती लकड़ी व फर्नीचर आदि, जिसमें से कि उन लकड़ियों से नीम, आम, बबूल, सागवान, रोहिड़ा, इनके जो हैं वो मकान आदि फर्नीचर के काम में लिए जाते हैं। वनों से जलाऊ लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, जो कि हमारा जो स्थान है राजस्थान जो है वो अत्यधिक ग्रामीण स्थान है, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में, अधिकतर मात्रा में अभी भी पिछड़े होने के कारण यहाँ पर रसोई गैस व बिजली के चूल्हे इत्यादि नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर लकड़ी का प्रयोग लिया जाता है, जिसमें से खेर, कीकर, बबूल, धोकड़ा, खेजड़ा आदि वृक्ष प्राप्त होते हैं। पशुओं के लिए घास चराई के लिए यह बहुत ज़रूरी है। वनों के लिए पशुओं की बड़ी मात्रा में चारागृह की समस्या हल हो जाती है। इससे वनों की सहायता से पशु संपदा में सहायता भी मिलती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की जो पूर्ति होती है वह भी, जैसे दिया सलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, ये इसी के ऊपर ही कच्चे माल के रूप में निर्धारित रहते हैं। गौण के रूप में हम देखें तो बांस का प्रयोग, जैसे बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, चित्तौड़ बांस प्राप्त होता है वहाँ से, जैसे उससे कागज़, टोकरी और चारपाई आदि बनाई जाती है। गोंद एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि रस निकलता है, तो वृक्ष के तने को जम जाता है और सूख जाने के बाद में गोंद रूप धारण कर लेता है।
गौंद, खेजड़ा, बबूल, पीपल, ढाक आदि वृक्षों से प्राप्त करती हैं। तेंदुओं की पत्तियाँ जिसको किसके लिए यूज लिया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए। राजस्थान में झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा आदि में तेंदुए के वृक्ष पाए जाते हैं। बाड़मेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, ब्यावर आदि में बीड़ी बनाने के लिए जो विशेष रूप से कार्य भी किया जाता है। घास, राजस्थान में अनेक प्रकार की घास बनाई जाती, बहुत उगती हैं, जिसमें से पशुओं को चारे के लिए, झाड़ू के लिए, रस्सी बनाने के लिए, मूंज आदि की रस्सियों जो अधिक मात्रा में होती है। कत्ते का, कत्ता उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर जिलों में कत्ते के उत्पादक हैं। उसमें से कत्ता खैर नामक वृक्ष से तने से बनाया जाता है। जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती हैं, दवाइयाँ और रसायन तैयार किए जाते हैं। महुआ जो कि वृक्ष से फल से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग खाने व तेल बनाने के लिए और देसी शराब के लिए किया जाता है, जो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। शहद और मोम, मधुमक्खियों की वृक्षों में छतों का निर्माण करती है, जिससे शहद व मोम की प्राप्ति होती है। अलवर, सिरोही, भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जगहों पर शहद की प्राप्ति होती है। जीव जंतुओं में अत्यधिक जो जीव जंतु हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, तो अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को ये एक शरण स्थल है, और जिनके मृत शरीर से खाल, मांस, सींग, दांत, कस्तूरी आदि उपलब्ध भी होते हैं। खाद के रूप में भी वनों की जो उत्तम ह्यूमस खाद, पत्तियों को झड़कर जो नीचे झड़ जाती है और फिर बाद में किस रूप में सड़ने गलने से ह्यूमस खाद की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, निर्यात आदि भी किए जाते हैं, मुद्रा अर्जित की जाती है। राजस्थान में काफ़ी विदेशी मुद्रा इससे भी प्राप्त होती है। सरकारी आय के रूप में नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहती है, ठेके पर दे दिए जाते हैं और जिसके द्वारा सरकार जो है निश्चित रकम मिल सकती है। मनुष्यों के लिए वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी रेशम बनाए जाते हैं, रेशम के जो कीट हैं, बताया था मैंने आपको कल भी। बाढ़ पर रोकने के लिए जो जल के जो स्रोत हैं उसकी शक्ति प्रदान की जाती है, और जड़े बहते हुए जल को, रुकावट को, मृदा अपरदन को कम करती है। वर्षा के आकर्षण के लिए आकर्षित शक्ति है। रेगिस्तानी बागों में जहाँ पर वन नहीं होते वहाँ पर वर्षा शुष्क रहती है, कम होती है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। भूक्षरण पर रोक के लिए भूमि का कटाव जो है वो कम होता है। कृषि की सहायता के लिए वन होते हैं तो फसलें भी अच्छी होती हैं, पेड़ पौधे भूमि नमी बनाए रखते हैं, और दूसरे पेड़ पौधों में पत्तियों और भूमियों पर गिरती रहती है तो प्राकृतिक खाद भी उपलब्ध होती रहती है। रेगिस्तान को बढ़ने के रोकने के लिए आजकल इसके रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान चल रहा है, काजरी की तरफ से भी जैतून की खेती की जाती है, तो वहाँ पर बहुत अत्यधिक जो हैं वृक्ष आदियों के, जैसे बाड़मेर साइड में और बीकानेर साइड में जो है वो जैतून की खेती उसको उपजाऊ बनाने के लिए की जा रही है। राज्य में घरेलू उत्पादन के योगदान के लिए भी गौंड उपजे प्राप्त होती हैं। वायु प्रदूषण की रोकने की समस्याओं में सबसे बड़ा एक गंदी हवा को साफ करने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं, जल सतह पर बनाए रखते हैं, वन अधिक होते हैं तो वर्षा भी अच्छी होती है, पानी बहने व प्रवाह के तुलनात्मक रूप से कम रहता है, जिसके कारण भूमि के अंदर भी जल का स्तर ऊँचा बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।